तो फ्रेंड्स आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके, तो सपोज बेस ऑफ ट्राइंगल हमने कितना ले लिया, x सेंटीमीटर ले लिया, कितना ले लिया x सेंटीमीटर। ओके, तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना हो जाएगा बेटा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके, इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। ओके, तो इसका हाइपोटेन्यूस हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। ओके, चलिए पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमको मालूम है कि इसका बेस है, एल्टीट्यूड है और हाइपोटेन्यूस है। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, आप देखिए ट्राइंगल दिया हुआ है। ओके, ये दे दिया, इसका बेस हमने लिया एक्स ले लिया है, एल्टीट्यूड हमने ले लिया एक्स माइनस 7 और ये ले लिया है 13। तो ए बी एंड सी, तो इसके हिसाब से मैं पाइथागोरस थ्योरम क्रिएट कर रहा हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ओके, तो चलिए ए बी स्क्वायर दिया हुआ है तो कितना होगा एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, बी बी कितना हो गया बेटा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 को अंदर लेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 14x ओके माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए तो अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो कितने हो जाएंगे बेटा, माइनस करने पर 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 60, 12 फाइव जार 12 में से 5 माइनस कीजिए 7 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 0 हो जाएगा सामने जाके, 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू है x माइनस 12 प्लस 5 लेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 12 देन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 देन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x की वैल्यू माइनस 5 नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, सिंपल सी है, माइनस से इसलिए पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा बेस 12 सेंटीमीटर और जो एल्टीट्यूड है वो जाएगा x माइनस 7 मीन्स 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स अगला सम हम देखें, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, यानी मिट्टी के बर्तन बनाती है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ओके ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। तो सपोज अब देखिए इसमें कितने बना रही है, आर्टिकल्स कितने बना रही है पहले हमें देखना है, तो द नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज इक्वल टू एक्स, कितने बना रही है एक्स बना रही है। ओके, अब उनका जो कॉस्ट है पर आर्टिकल्स पे कॉस्ट कितना पड़ रहा है वो हमें देखना है, तो कॉस्ट हमको कितना लिखा हुआ है बेटा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस, तो देखिए ट्वाइस करो इसका और 3 हो गया। ओके, अब टोटल कॉस्ट कितना हुआ वो हमें देखना है। ओके, तो देखिए टोटल कॉस्ट
ऑफ आर्टिकल, तो यहाँ पर x एंड x प्लस 3, तो यहाँ पर हम लेंगे x, सॉरी 2x आएगा यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x हो गया ये टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट हमें दिया कितना है 90 भी दिया है, तो यहाँ पर हम लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0, ओके। चलिए अब इसके फैक्टर्स हम करते हैं, तो फैक्टर्स करेंगे तो 90 इंटू 2 कितना हो गया 180 हो गया। अब ऐसे फैक्टर्स कीजिए कि माइनस करने पर प्लस 3 आ जाए, ओके, और मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके वो होंगे प्लस 15 माइनस 12, 15 इंटू 12 180 हो गया, 15 में से 12 माइनस करो 3 आ जाएगा, 90 इज इक्वल टू 0, ओके। चलिए यहाँ पर x कॉमन लीजिए, 2x प्लस 15 हो गया, यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे बेटा 6 कॉमन लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो 15 होगा सॉरी, तो 2x प्लस 15 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15, तो x की वैल्यू माइनस 15 अपॉन 2, नॉट पॉसिबल, ओके। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमें जो आंसर पूछे हुए हैं, तो पर जो आर्टिकल्स में कितने बना रहे हैं वो प्रोडक्शन कितना होगा 6 आर्टिकल्स होगा, ओके, और कॉस्ट जो है पर आर्टिकल्स की कितना है 2x प्लस 3 मीन्स 2 इंटू 6 प्लस 3 मीन्स 12 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 रुपीज़ पर कॉस्ट, ओके, और उस दिन का 15 सिक्सा करोगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ओके।